तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम फ्राई करने वाले हैं पूरे 100 केजी स्नैक्स। ये गाइस यार ये बहुत सारे स्नैक्स हैं और इन सभी को हम एक साथ फ्राई करने वाले हैं। लेकिन गाइस यार इतने सारे स्नैक्स को फ्राई करने के लिए हमें एक बहुत बड़ी कढ़ाई की जरूरत पड़ने वाली है। नाउ दिस इज द बैड बॉय। यार मुझे अच्छे से याद है बचपन के अंदर जब भी कोई फेस्टिवल होता था, दिवाली, होली या फिर रक्षाबंधन, तो और कोई चीज हो ना हो, कुछ बने ना बने, एक चीज जरूर बनती थी और वो थे स्नैक्स। और इस तरीके के स्नैक्स को हमारे यहाँ बोला जाता है पोला पापड़। जी हाँ गाइस, और ये हमारी फेवरेट चीज हुआ करती थी। और जब भी घर के अंदर इस चीज को बनाया जाता था, जैसे ही तेल के अंदर इन स्नैक्स को डाला जाता था, तो डालने के बाद ये एकदम से छोटे से फूलते थे बहुत ही सेटिस्फाइंग तरीके से। तो गाइस यार इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज को 100 केजी स्नैक्स के साथ में ट्राई करने वाले हैं और फिर देखते हैं कि ये जो वीडियो है ये कितनी ज्यादा सेटिस्फाइंग होती है। अब मुझे आप ये बताओ कि कितनों के घरों के अंदर अभी भी ये चीज बनती है और कितनों को ये पसंद है। जिस जिसको भी ये पसंद है, जिसके भी घर में ये बनती है, वो वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे। हम फटाफट से इसके शुरुआत करते हैं। अच्छा ठीक है, उठा लो, तुम्हारे को एक एक किलो पोला पापड़ घर ले जाने के लिए फ्री। तब तक एक चीज कर सकते हैं, मोटा जो है ना अभी खाता जा रहा है और भी मोटा होता जा रहा है। मटकी निकल गई, मेरी भी निकल गई लेकिन इसकी भी निकल गई। लेकिन इसकी एक दिक्कत यह है कि ये पुशअप नहीं लगा पाता है। तो गाइस अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मोटा आपके लिए 10 पुशअप लगाएगा अभी के लिए। गाइस आज दूसरा दिन है। कल रात को हमें अंदाजा भी नहीं था कि इतने सारे तेल को गर्म करने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसीलिए आज सुबह है और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से हमने इसे कवर कर रखा है ताकि मैक्सिमम हीट जनरेट हो और तेल जल्दी से जल्दी गर्म हो। तो अभी ये लगभग गर्म हो चुका है, तो चलो इस चीज को टेस्ट करते हैं। और एक चीज आपको बता दूं कि हम यहाँ पे फूड की वेस्टिंग नहीं करेंगे, हम इन्हें निकालेंगे और इन्हें बच्चों के अंदर बांट देंगे। जी हाँ गाइस, थोड़ा थोड़ा सबको, हमारा काम भी हो जाएगा, बच्चे भी खुश, हम भी खुश, आप भी खुश। तो आज अभी टेस्टिंग करते हैं कि तेल गरम हुआ है या फिर नहीं। तो गाइस सबसे पहले पोलो को ट्राई करते हैं। वाह, आ अभी तक गरम नहीं हुआ है शायद तक तेल यार। वो इट्स वर्किंग ये गाइस तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे स्नैक्स बन के बाहर आए हैं। पहले ये बस इतना सा था और अभी ये इतना बड़ा हो गया है, यानी कि लगभग 2 गुना। टेस्ट करके बताओ। आपके हाथ में बर्गर है, बर्गर से बड़ा कर दिया। वाह एक बार क्या कारीगरी है बचपन की याद आ गई। अब क्या करते हैं ग्रैंड फिनाले।
इतने सारे स्नैक्स को एक साथ फ्राई करने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। उठाओ। तो गाइस यहाँ पे स्नैक्स काफी ज्यादा होने वाले हैं, इसीलिए हमने एक कंटेनर लिया है ताकि खाना खराब ना हो। एक दो तीन डाल दो पूरे एक साथ, धीरे धीरे डाल दो। गाइस इतने सारे हमने एक साथ डाल दिए हैं और ये बनना स्टार्ट हो रहे हैं। तेरी कढ़ाई फुल हो गई। गाइस इतने सारे हमने एक साथ डाल दिए हैं और ये बनना स्टार्ट हो रहे हैं। देखो गाइस आपने एकदम जादू की तरह ये ऊपर आए, हालांकि ऊपर वाले थोड़े थोड़े से कच्चे हैं, लेकिन फिर भी हिलाओ हिलाओ हिलाओ, थोड़ा हिलाओ गाइस आपने देखा, हिलाओ गाइस आपने देखा कि यार एकदम से बाहर आ गए सारे बनके। गाइस यार हमने इस चीज़ को टेस्ट किया, इसके अंदर एक दिक्कत है कि आई थिंक ये माल पुराना है तो ये अच्छे से सिक नहीं रहा है, और हम नहीं चाहते कि किसी को कच्चा माल खिलाए और उनका पेट दुखे, इसीलिए इस चीज़ को हम अवॉइड करेंगे। बाबा इस वाली को इस बार ट्राई करते हैं, उठाओ आ जाओ। गाइस इस वाली को ट्राई करते हैं, ये है मिक्स, ठीक है, तो इसके अंदर सारी वेराइटी है और तब देखते हैं कि क्या होता है। आराम से एक दो तीन डाल दो डाल दो, फैला दे फैला दे, माल को फैला दे, बस छोड़ दो छोड़ दो, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। भाई सारा माल है, वाह यार बहुत तेरी गाइस, ये वाला मस्त है, ओ वाह गाइस, ये देखो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। गाइस देखो यार पूरा कड़ाव जो है वो फुल हो रहा है धीरे 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 धीरे, देखो वाह ये वाली मस्त चीज थी यार, अभी तक भी देखो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, ये देखो। फूट रहा है मार आ रहा है माल, ये देखो गाइस अभी तक भी आ रहा है अभी तक भी आ रहा है, ये देखो अभी तक भी आता ही जा रहा है, वाओ गाइस अभी भी बढ़ता जा रहा है, ये देखो गाइस आपने देखा इतने से पापड़ थे और अभी जो कड़ाव है वो पूरा भर गया है। अभी हमारे पास लास्ट चीज बची है ये वाली पापड़, इसको भी ट्राई करते हैं, इसे बाहर निकालो। गाइस यार बाहर निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। गाइस ये देखो व्हील कैप कितनी छोटी सी थी और अभी कितनी बड़ी हो गई है, क्रिस्पी। ऑलराइट गाइस अभी है फाइनल, फाइनल के अंदर हमारे पास है पापड़, हमारे पास ये चीज भी है लेकिन ये थोड़ी सी खराब हो गई है, तो या तो इसे रिटर्न कर देंगे या फिर चींटियों का या फिर किसी दूसरे जानवर को जिनको इनसे नुकसान ना हो उन्हें खिला देंगे। बाकी थोड़ा सा और माल बचा हुआ है लेकिन उन्हें अभी काम में नहीं लेंगे, तेल को चेंज करेंगे फिर फ्राई करेंगे और फिर उस फ्रेश माल को इसके अंदर ऐड करके फिर बांटेंगे। तो अभी डालते हैं पापड़, एक दो तीन, दबा दो गाइस, और फूलता जा रहा है कड़ा, और फूलता जा रहा है। अच्छे से पकाओ ताकि मस्त मजा आ जाए खाने में भी और बांटने में भी। ये थी एक बहुत ही ऑसम सेटिस्फेक्शन रिएक्शन, बस निकाल लो। ये मैं बचपन से ट्राई करना चाहता था और साथ साथ आप लोगों के भी बहुत सारे कमेंट आते थे कि भैया लोगों के अंदर कुछ बांटो या फिर कुछ ऐसा करो, तो हमने सोचा कि यार एक वीडियो ही बन जाएगी, लोगों को भी बांटेंगे, बच्चों में भी बांट देंगे, उनको भी खुशी मिल जाएगी। तो इनके अंदर कुछ कुछ जल गए हैं तो उनको साइड में करेंगे और जो बिल्कुल फ्रेश है जो अच्छे से पक गए हैं उनको साइड में करेंगे, पके हुए को लोगों में बांट देंगे और कच्चे हम रख लेंगे, हम सब लोग उन्हें खा लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। हम सारी चीज़ें दिखाते हैं लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और मैं नहीं चाहता कि आपको बोर करे, इसलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वाओ पापड़ मस्त बने यार।